केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश लालू पर बोला जोरदार हमला। कहा, मुसलमानों के वोट के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं नीतीश लालू। कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद, 44 फ्लाइट कैंसिल, 50 प्रदर्शनकारी हिरासत में। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की मीटिंग। मणिपुर सीएम के घर पर हमले की कोशिश की खबर को पुलिस ने किया खारिज। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 500 मीटर पहले रोका। दो स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी। पॉस्को में सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 ही रही, अभिभावक हथियार की तरह कर रहे इस्तेमाल। लॉ कमीशन ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। मनप्रीत बादल की तलाश में विजिलेंस टीम का छापा, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में एक्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 1 अक्टूबर तक गुजरात में संघ की बैठकों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ से 3 बदमाश गिरफ्तार। हरियाणा में गुरुग्राम डीएम ने पटाखों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, ग्रीन पटाखों को छूट। 2024 में शुरू हो सकती है जेट एयरवेज जलाना, कॉलरोक कंसोर्टियम ने 350 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। 2019 से बंद है एयरलाइन। केरल में तेज बारिश, 10 जिलों में येलो अलर्ट। आज देश के 20 राज्यों में बरसेगा पानी, मानसून लौटने की कगार पर। पाकिस्तान के लाइव टीवी शो में चलने लगी लात, खुशी आपस में भिड़े नवाज इमरान समर्थक, सामने आया वीडियो। भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है कनाडा, निर्जर की हत्या के आरोप में 11 दिन बाद बोले ट्रूडो, दुनिया में इंडिया का महत्व बढ़ा। कनाडा के आरोपों पर भारत की प्रतिक्रिया पर अमेरिका ने दिया बड़ा बयान, कहा अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वे अपने लिए बोल सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में आई है दरार। नीदरलैंड में मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम में गोलीबारी, फायरिंग के बाद लगी आग, 2 लोगों की गई जान, आंकड़ा बढ़ने की आशंका। लंदन के नॉर्थ बर्लैंड नेशनल पार्क में जानबूझकर गिराया गया 200 साल पुराना साई कैमोर गैप पेड़, स्थानीय राष्ट्रीय उद्यान के प्राधिकरण ने किया खुलासा। 2024 में शुरू हो सकती है जेट एयरवेज जालान, कॉलरोक कंसोर्टियम ने 350 करोड़ रुपए का किया पेमेंट। 2019 से बंद है ये एयरलाइन। भारत को आज एशियाड शूटिंग में 2 गोल्ड, 3 सिल्वर। टूर्नामेंट के 6 दिन टेनिस के सिल्वर समेत 6 मेडल, अब तक कुल 32 पदक। आज से शुरू होंगे विश्व कप वार्मअप मुकाबला। वार्मअप मुकाबले में भारत की भिड़ंत इंग्लैंड की नीदरलैंड से होगी। भारत का पहला मुकाबला 30 सितंबर शनिवार को गुवाहाटी के बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फिल्म गणपत का टीजर रिलीज, भ्रष्टाचार से परेशान लोगों के लिए टाइगर बनेंगे मसीहा। नेवर सीन अवतार में दिखी कीर्ति सेनन, बिग बी भी आएंगे नजर। रणवीर कपूर ने खास अंदाज में मनाया 41वां बर्थडे, अपार्टमेंट के मेन गेट पर लगी फैंस की भीड़, एक्टर ने साथ मिलकर केक काटा।